हेलो फ्रेंड्स, रतलामी जायके में आपका वेलकम है। फ्रेंड्स, गणेश जी घर में आए हैं तो हम रोज़ अलग अलग तरह के भोग लगाते हैं। गणेश जी को मोदक बहुत ही प्रिय है, इसलिए सब इसका भोग लगाते हैं। तो आज मैं आटे के मोदक की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और झटपट बन जाते हैं, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मावे को भून लेंगे। तो ये मैंने 100 ग्राम मावा लिया है, इसे हम 2 मिनट भून लेंगे। मावे को हम बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे, बस 2 मिनट ही भूनना है और आप इसे कंटिन्यू हिलाते रहें। अगर आप इसे नहीं हिलाएंगे तो ये हो सकता है नीचे चिपक जाए, और गैस की फ्लेम आपको स्लो ही रखना है। ये देखिए, मावा थोड़ा पतला भी हो गया है और इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। पैन में हम 1/4 कप घी लेंगे। घी जैसे ही गर्म होगा हम इसमें 1 कप गेहूं का आटा डालेंगे। तो मैंने घी भी इसी कप से लिया है, 1/4 कप। कोई भी आप एक नाप बना ले, उसी से घी ले और उसी कप से आप गेहूं का आटा। घी गर्म हो गया है, गेहूं का आटा हम डाल देते हैं और इसे हम अच्छे से सेक लेंगे बादामी होने तक। घी आपको बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ 1/4 कप ही इसमें डालें, क्योंकि हम इसमें मावा भी डालेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा कलर इसका चेंज हो गया है, लेकिन अभी हमें इसे थोड़ा सा और सेकना है। ये देखिए, मैंने इसे बादामी सेक लिया है। ये आपको थोड़ा सा वीडियो में लाइट लग रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा बादामी सेका है मैंने डार्क। अब इसमें जो हमने मावा सेका था वो डाल देंगे। आधा कप शक्कर डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जिस कप से मैंने आटा लिया था उसी कप से मैंने शक्कर भी ली है। तो आप एक ही मेजरमेंट रखें ताकि आपके मोदक एकदम परफेक्ट बने। मावा मैंने 100 ग्राम लिया था, तो आप ये समझिए कि लगभग मैंने आधा कप के करीब मावा लिया है। इसमें हम फ्लेवर के लिए आधा चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम आधा कप के करीब दूध डालेंगे। तो दूध में मैंने मलाई भी थोड़ी सी डाली है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चार चम्मच के करीब इसमें दूध और डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इसे सॉफ्ट डो की तरह बनाना है, ताकि हम मोदक बनाएं तो वो एकदम परफेक्ट बने, उसकी डिज़ाइन एकदम प्रॉपर आए। थोड़ा सा हम इसे और पका लेंगे, क्योंकि अभी हमने दूध डाला है तो उसका कच्चापन हमें ख़त्म करना है। ये देखिए, मुझे इसे सेकते हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका परफेक्ट डो कैसे होना चाहिए। तो हाथ में आप इस तरह से लें और देखिए, इस तरह से इसकी गोली बन जानी चाहिए, मतलब ये परफेक्ट तैयार हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। ये मैंने अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है और मेरे पास एक साँचा है मोदक बनाने का, तो मैं इससे मोदक बनाऊंगी। अगर आपके पास इस तरह का साँचा नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको हाथ से भी बनाकर बताऊंगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा हाथ में ले लें और इसमें साँचे में हम डालेंगे इसे। तो ये देखिए, इस तरह से
आप इसे अच्छी तरह से उंगलियों से इस तरह से दबाएं ताकि जो डिज़ाइन है इसकी वो प्रॉपर बने, और इसके अंदर हम अच्छे से भर देंगे। आप चाहें तो बीच में ड्राई फ्रूट्स भी रख सकते हैं। अब मैं आपको इसे खोलकर दिखाती हूँ, तो देखिए, वाओ, देखिए कितना अच्छा शेप आया है इसका। तो इस तरह से हम सभी मोदक बना लेंगे। लेकिन मैं आपको, अगर आपके पास मोल्ड नहीं है, सांचा नहीं है, तो मैं आपको हाथ से भी बनाकर बताऊंगी। ये आप देखिए कि अगर आपके पास सांचा है तो आपको कितनी आसानी होगी, फटाफट आपके मोदक बनकर तैयार हो जाएंगे। लेकिन आपके पास अगर सांचा नहीं है तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बनाना है। तो देखिए, अब मैं आपको हाथ से भी बनाकर दिखाती हूँ। आपको इस तरीके से हाथ पर गोल गोल हाथ से घुमाना है और नीचे की तरफ आपको दबाते हुए गोल गोल घुमाना है, इससे इसका प्रॉपर शेप आएगा मोदक जैसा। ये देखिए, आप इस तरह से मोदक का शेप बना सकते हैं। अब हम एक फोक लेंगे और उससे हम इस तरह से डिज़ाइन बना लेंगे। तो आप देखिए, इससे भी बहुत अच्छी डिज़ाइन लग रही है। आप हाथ से भी इस तरह से बना सकते हैं। ये देखिए, मैंने सभी मोदक बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब मैं आपको एक मोदक तोड़ के दिखाती हूँ। तो देखिए ये कितने सॉफ्ट बने हैं मोदक।